हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरह से एजेक्स और जावास्क्रिप्ट का यूज करके हम लोग चेक कर सकते हैं कि यूजर नेम पहले से वहां मौजूद है डाटाबेस में या कि नहीं। तो देखिए, यहाँ पे एक डाटाबेस मैंने बनाया है एजेक्स डीबी नाम का, और इसके अंदर में मैं एक टेबल क्रिएट करने वाला हूं यहाँ पे यूजर नाम का, ठीक है। और इसके अंदर में हम लोग तीन फील्ड रखते हैं, एक हो जाएगा यूजर का आईडी, एक हो जाएगा यूजर नेम, और एक यहाँ पे हम लोग दे देते हैं CORSE कोर्स। ये जो रहेगा यूजर आईडी, इसको हम लोग ऑटो इंक्रीमेंट कर लेंगे, और प्राइमरी की भी इसी को हम लोग बनाएंगे, और यहाँ पे जो यूजर नेम है इसको हम, इसका जो डाटा टाइप होगा वो हम लोग भर के लेंगे, और यहाँ पे इसका लेंथ 255 कर देंगे। कोर्स जो है इसका भी हम लोग भर के लेंगे, और यहाँ पे जो लेंथ है इसका भी हम लोग 255 दे देंगे, और उसके बाद में यहाँ पे हम लोग सेव में क्लिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग वापस चलते हैं। यहाँ पे देखिए, लोकल होस्ट एजेक्स क्लास मैंने पहले से ओपन करके रखा है सर्वर में, और ये जो एजेक्स क्लास का फोल्डर है ये आपका एसटीडॉक्स फोल्डर के अंदर में मैंने बनाया है। और अब हम लोग चलते हैं कोड एडिटर में। मैं जो है कोड एडिटर यूज कर रहा हूँ, विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर, जिसमें मैंने दो फाइल पहले से बना के रखा है, एक आपका index.html और एक आपका action.php। तो सबसे पहले html का कोडिंग हम लोग कर लेंगे, और इसी पेज में हम लोग जावास्क्रिप्ट का भी कोडिंग करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग php वाला पेज में जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे हम लोगों को एक फॉर्म बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ form, ठीक है। और फॉर्म के अंदर में हम लोग फॉर्म का आईडी लेंगे, क्योंकि इसका जो डाटा होगा वो हम लोग फॉर्म डाटा यूज करेंगे, जावास्क्रिप्ट के मदद से डाटा यूज करेंगे, ठीक है। डाटा को भेजेंगे हम लोग कहाँ पे भेजेंगे, action.php में, ठीक है। तो यहाँ पे आईडी जो रहेगा मैं दे देता हूँ myFRM, ये हो गया फॉर्म का आईडी। और इसके अंदर में हम लोग पहले लेंगे एक यूजर नेम, यूजर नेम। अब यूजर नेम के लिए फिर हम लोग एक इनपुट लेंगे, इनपुट टाइप टेक्स्ट ही रहेगा, बट यहाँ पे हम लोग नेम दे देंगे इसका यूजर नेम। उसी तरह से फिर इसी प्रकार से हमको और एक इनपुट फील्ड चाहिए, तो इसी को मैं कॉपी करता हूँ, बट कॉपी करने से पहले मैं यहाँ पे br टैग दे देता हूँ ताकि ये नेक्स्ट लाइन में जाए। दो बार दे देता हूँ कि दोनों के बीच में थोड़ा सा स्पेस आए, ठीक है। और अभी फिर से इसको एक बार मैं कॉपी कर ले रहा हूँ, और देन इसको हम लोग फिर से पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कोर्स, CORSE कोर्स, और यहाँ पे इसका नाम जो होगा ये भी हो जाएगा कोर्स, CORSE कोर्स। उसके बाद में हम लोग एक बटन लेंगे BUTT, और बटन के अंदर में हम लोग यहाँ पे लिख देंगे सेव, इंसर्ट, या जो भी आप लिखना चाहे, ठीक है। और यहाँ पे टाइप जो होगा वो मैं दे देता हूँ ये बटन करके, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग इस बटन के द्वारा एक फंक्शन को कॉल करेंगे, और ऑन क्लिक इवेंट के जरिए, ठीक है। तो ऑन क्लिक इवेंट में यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाने वाला हूँ चेक नाम का, हो गया। ये HTML का कोडिंग यहाँ तक ही रहेगा, ये खत्म हो गया। अच्छा, और एक चीज है, यूजर नेम है या नहीं है वो भी हम लोग को डिस्प्ले करवाना है, तो एक काम करते हैं हम लोग वो चीज यहाँ पे डिस्प्ले करवाते, यहाँ ऊपर में यहाँ पे डिस्प्ले करवाते, ठीक है।
तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्पेन, और इस स्पेन का मैं एक आईडी दे देता हूँ आईडी, और इसका आईडी मैं दे देता हूँ DIS। ठीक है, अब चलिए वापस हम लोग यहाँ नीचे आ जाते हैं फॉर्म का नीचे, और यहाँ पे स्क्रिप्ट टैब ओपन एंड क्लोज करेंगे हम लोग, और इसके अंदर में जावा स्क्रिप्ट का कोडिंग लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जावा स्क्रिप्ट का मदद से एक फंक्शन बनाएंगे, और फंक्शन का नाम हम लोग क्या रखेंगे, चेक रखेंगे। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज करेंगे, उसके बाद में एक वेरिएबल हम लोग बनाएंगे XHR वाला वेरिएबल, और ये जो बना रहे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं ना, किसका ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, XML HTTP रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग कनेक्शन ओपन करेंगे, तो XHR.open लिखना पड़ेगा उसके लिए, और इसके अंदर में हम लोग को तीन पैरामीटर देना है। पहला जो मेथड हम लोग यूज कर रहे हैं, तो हम लोग पोस्ट मेथड यूज कर रहे हैं। उसके बाद में दूसरा, हम लोग कौन सा पेज में डाटा को भेज रहे हैं, हम लोग action.php नाम है ना पेज का हमारा, php वाला पेज देखिए वहां पे बना हुआ है, action.php पेज में भेज रहे, तो यहाँ पे वही नाम आएगा। उसके बाद में फिर यहाँ कॉमा होगा, और फिर यहाँ पे हम लोग ट्रू कर देंगे, देन इसको हम लोग यहाँ बंद कर देंगे इस तरह से। और यहाँ पे देखिए मैंने डॉट दे दिया है, यहाँ पे कॉमा होना चाहिए ऐसे करके, ठीक है ना। उसके बाद में फिर अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे जाता हूँ मैं, यहाँ पे देखिए फॉर्म का डाटा हम लोग कैसे उठाएंगे। सबसे पहले एक वेरिएबल मैं बना ले रहा हूँ माई FORM फॉर्म नाम का वेरिएबल, और फिर यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी में हम लोग क्या करेंगे, फॉर्म का जो आईडी होगा वो हम लोग यहाँ पे दे देंगे, जैसे कि मैंने लिखा है FMYFRM, ये फॉर्म का आईडी है ना। उसके बाद में फिर क्या करना होगा हम लोगों को, यहाँ पे एक वेरिएबल और हम लोग बना ले रहे हैं FOM फॉर्म डाटा नाम का, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, न्यू फॉर्म डाटा FORM फॉर्म डाटा, और उसके बाद में ब्रैकेट ओपन क्लोज, और फिर ऊपर में जो हम लोग वेरिएबल बनाए थे माय फॉर्म उसको यहाँ पे हम लोग पास कर देंगे। उसके बाद में ये रिक्वेस्ट को हम लोग सेंड करेंगे सेंड, और इसमें हम लोग ये जो डाटा आ रहा है हम लोग का FORM, अच्छा सेंड ऐसे नहीं करेंगे ना हम लोग, तो उस ऑब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट पहले लिखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट का नाम ना, उसके बाद में फिर सेंड, और उसके बाद में जो डाटा है यहाँ पे वो डाटा इसमें आएगा फॉर्म डाटा में, तो ये फॉर्म डाटा को हम लोग यहाँ लिख देंगे इस प्रकार। ठीक है, अब हम लोग रिस्पॉन्स भी लेना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, XHR लिखेंगे, फिर डॉट ऑन लोड इक्वल टू, फिर यहाँ पे एक फंक्शन ब्रैकेट ओपन क्लोज कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, और उसके बाद में यहाँ पे इफ से हम लोग स्टेटस चेक करेंगे, इफ दिस डॉट स्टेटस इक्वल टू अगर ये 200 होता है, मतलब ऑल ओके होता है, तब हम लोग वहां से जो रिस्पॉन्स होगा वो हम लोग लेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी जो रिस्पॉन्स है वो हम लोग कहाँ दिखाना चाहते हैं, DIS नाम का जो हम लोग बनाए थे स्पैन उसका आईडी यहाँ दे दिए, और फिर डॉट इनर HTML इक्वल टू, फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे दिस लिखेंगे दिस डॉट, और उसके बाद में यहाँ पे रिस्पॉन्स टेक्स्ट कर देंगे जो वहां से हम लोग रिसीव करेंगे। ठीक है ना, यहाँ तक हो गया। देखिए यहाँ पे ये फॉर्म का डाटा जाएगा, ठीक है ना, ये जो तीन लाइन है यहाँ से। अभी हम लोग जाएंगे फिर PHP वाला पेज में action.php यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग PHP का कोड करेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पे PHP का टैग ओपन और क्लोज कर लेते हैं हम लोग, और उसके बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ इफ सर्वर, उसके बाद में यहाँ अंदर में रिक्वेस्ट REQUEST रिक्वेस्ट मेथड,
और उसके बाद में इक्वल टू अगर ये पोस्ट होता है, ठीक है, तो कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, तब आगे का काम चालू होगा। आगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नेम नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे और वहां से जो डाटा आएगा तो वो यहाँ पे आता, देखिए पोस्ट सर्वर नहीं, यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा पोस्ट और फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहाँ पे वहां पे जो फॉर्म में हम लोग नाम दिए थे वो नाम यहाँ पे लिखना होगा। जैसे पहला नाम था यूजर नेम, तो उसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे यूजर नेम। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ से कोर्स भी उठा लेंगे, कॉपी करते हैं हम लोग और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे इसको हम लोग कोर्स लिख देंगे, CoURSE कोर्स, और यहाँ पे भी हम लोग क्या लिखेंगे, कोर्स लिख देंगे, CoURSE कोर्स, ठीक है। उसके बाद में हम लोग क्या करने वाले हैं, कनेक्शन हम लोग बनाएंगे क्योंकि डाटाबेस हम लोग भेजना चाहते हैं अंदर, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कोर्स कनेक्शन CONN इक्वल टू, उसके बाद यहाँ पे न्यू, उसके बाद MySQLi, देन ब्रैकेट ओपन क्लोज, और इसके अंदर में फिर सबसे पहले हम लोग का आएगा होस्ट, जो कि हमारा होस्ट का नाम जो है वो लिखना पड़ता है ना, तो वो लोकल होस्ट है। उसके बाद में फिर कॉमा देंगे हम लोग, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा यूजर नेम, तो वो है रूट, और उसके बाद में फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पासवर्ड जो कि है ब्लैंक, तो इस तरह से खाली छोड़ देंगे, और उसके बाद आ जाएगा डाटाबेस नेम, तो जो डाटाबेस नेम है वो है AJAX DB, तो उसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे इस तरह से, ठीक है। उसके बाद में फिर हम लोग क्या करने वाले हैं कि एक स्टेटमेंट बनाएंगे हम लोग सीक्वल का, तो उसका उसके लिए वेरिएबल यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, वेरिएबल का नाम है सेलेक्ट, और यहाँ पे जो हम लोग का स्टेटमेंट होगा, आपका क्या स्टेटमेंट होगा, सीक्वल का स्टेटमेंट, इससे हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल का नाम, टेबल का नाम यूजर है, एक बार हम लोग देख लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं, टेबल का नाम क्या रखे थे हम लोग, टेबल का नाम देखिए यहाँ पे यूजर है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे यूजर लिखेंगे, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर, उसके बाद कंडीशन देंगे वेर वेर यूजर नेम, देखिए ये जो रहेगा यूजर नेम, मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे देखिए यूजर नेम फील्ड का नाम दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये वेरिएबल का नाम आप यूजर नेम भी लिख सकते हैं या नेम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे आपको फील्ड का नाम पूरा सेम देना होगा एज इट इज, जैसे आप लोग डाटाबेस में नाम दिए रहेंगे फील्ड का, वही नाम यहाँ आना चाहिए। और यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं कि अगर यूजर नेम इक्वल टू, और उसके बाद में यहाँ पे इस तरह से आपको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लिखना होगा, और यहाँ पे वो वेरिएबल यूजर नेम वाला जो वेरिएबल है उसको यहाँ पे आप पास कर दीजिए इस तरह से। अब इसको हम लोग को रन भी करना होगा, ये जो क्यूरी हम लोग अभी बनाए हैं, तो यहाँ पे उसके लिए एक वेरिएबल और मैं ले रहा हूँ रिजल्ट इक्वल टू, और उसके बाद में यहाँ पे हम लोग को कनेक्शन का यूज करना पड़ेगा कनेक्शन। उसके बाद में फिर हम लोग क्या करने वाले हैं, क्यूरी एक फंक्शन है, इनबिल्ट फंक्शन, इसका यूज करेंगे हम लोग, और इसमें हम लोग इस क्यूरी को पास कर देंगे जो कि सेलेक्ट नाम का वेरिएबल में स्टोर है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारा जो क्यूरी होगा वो रन होगा और उसके मुताबिक हम लोगों को रिजल्ट मिलेगा। तो अब जो रिजल्ट, मतलब रिजल्ट नाम के वेरिएबल में ही रिजल्ट स्टोर हो जाएगा, तो उसमें क्या होता है, एक हम लोग को फंक्शन मिलता है नम्र होता है, जिसके जरिए नंबर ऑफ रो जो टेबल बनता है ना, उसका नंबर ऑफ रो मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग एक तो चेक कंडीशन लगाएंगे इफ के जरिए, यहाँ पे अगर हम लोग लिखते हैं इस प्रकार से इफ रिजल्ट, ठीक है, इफ रिजल्ट फिर इफ रिजल्ट, उसके बाद में इस प्रकार से एक फंक्शन हम लोग कॉल कर रहे हैं नम अंडर स्कोर ROWS, ठीक है। अगर यहाँ से हम लोग ये वाला फंक्शन में जो वैल्यू मिलेगा वो जीरो से ज्यादा होगा, तो जीरो से ज्यादा मतलब अगर देखिए कोई भी फील्ड नहीं रहेगा तो वो हमको जीरो रिटर्न करेगा, जीरो रिटर्न करेगा तो ये इसके अंदर वाला कोड को रन करने का जरूरत ही नहीं है। मगर अगर वहां पे हम लोग को फील्ड मिल जाता है तब जाके ये इफ अंडर इफ के अंदर में जो भी हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे वो रन होगा। तो यहाँ पे मैं सिंपल इको करा दे रहा हूँ कि यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट करके, यूजर नेम ऑलरेडी
ऑलरेडी एग्जिस्ट कि यूजर नेम पहले से वहां पे मौजूद है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता है, मान लीजिए कि अगर यूजर नेम मैच नहीं होगा तो दैट मीन्स रिजल्ट का वैल्यू हम लोग को जीरो मिलेगा, मतलब रिजल्ट का वैल्यू जीरो नहीं मिलेगा, रिजल्ट के अंदर में जो नम रो मिल रहा है उसका वैल्यू हम लोग को जीरो मिलेगा, और जीरो मिलेगा तो ये अंदर वाला पार्ट रन नहीं होगा। तब कौन सा पार्ट रन करवाएंगे हम लोग, एल्स वाला पार्ट रन करवाएंगे, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे फिर से हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं इंसर्ट नाम का, और इसके अंदर में हम लोग इंसर्ट कमांड जो होता है INSERT, वेरिएबल का नाम गलत होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर अंदर में जो स्टेटमेंट लिखेंगे इसमें इस इंसर्ट का स्पेलिंग गलत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग इंसर्ट का क्यूरी लिख देते हैं, इंसर्ट इनटू उसके बाद में टेबल का नाम जो कि है यूजर, उसके बाद ब्रैकेट और उसके बाद फील्ड का नाम। तो पहला फील्ड यूजर है, दूसरा फील्ड जो है वो है CoURSE कोर्स है, उसके बाद ब्रैकेट को हम लोग बंद करेंगे, उसके बाद में फिर आ जाएगा वैल्यूज, उसके बाद में फिर ब्रैकेट ओपन होगा, और फिर यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पे हम लोग डॉलर साइन देंगे, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे यूजर नेम, उसके बाद में फिर हम लोग कॉमा देंगे, और उसके बाद फिर इन्वर्टेड कॉमा इस प्रकार से हम लोग देंगे, और इसके अंदर में फिर हम लोग डॉलर साइन देंगे, और दूसरा वेरिएबल जो था हमारा कोर्स उसको हम लोग यहाँ पास कर देंगे, ठीक है। देन यहाँ पे फिर हम लोग RES नाम का एक हम लोग वेरिएबल बनाते हैं, और इक्वल टू फिर यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कोन, CONN कोन, और फिर हम लोग क्यूरी को रन करवाएंगे यहाँ पे, क्यूरी ब्रैकेट ओपन क्लोज, उसके बाद में ऊपर में जो हम लोग वेरिएबल बनाए थे इंसर्ट नाम का जिसके अंदर में हमारा सीक्वल का स्टेटमेंट है ना, तो क्यूरी को रन करवा रहे, सिंपल सा बात है ना। उसके बाद अगर ये सक्सेसफुली रन होगा, ये क्यूरी अगर सक्सेसफुली रन होगा तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं इको करवा देंगे, है ना। तो इसके लिए मैं यहाँ पे भी कंडीशन दे देता हूँ, इफ अगर ये सक्सेसफुली रन होता है तो यहाँ पे अगर इफ लिख के हम लोग RES लिखेंगे तो यहाँ पे ट्रू वैल्यू आएगा, और अगर ये अच्छे से रन होता है तब जाके यहाँ पे इको होगा, और इको हम लोग कराएंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे डाटा इंसर्टेड इस तरह से, ठीक है। यहाँ तक हो गया, अच्छा अब चलिए हम लोग चेक करेंगे, यहाँ जाते हैं हम लोग एक बार, इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं, देखिए यहाँ पे यूजर नेम और कोर्स है। तो यहाँ पे यूजर नेम मान लीजिए कि मैं SHAIN सचिन देता हूँ, और यहाँ पे कोर्स नाम जो है वो मैं DCA देता हूँ, सचिन, और यहाँ पे DCA, और इसके बाद मैं सेव में क्लिक करता हूँ, तो यहाँ एक एरर आ रहा है उसको हम लोग देख लेते हैं, रिस्पेंस ट्रू TRUE ट्रू का ट्रू इज नॉट डिफाइन। अच्छा हम लोग यहाँ एक बार चलते हैं, HTML वाला पेज में, और यहाँ पे TRUE ट्रू लिखना था हम लोगों को, कोई बात नहीं है, एक बार हम लोग फिर से जाते हैं, और फिर से यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ SACHIN सचिन, और उसके बाद यहाँ पे कोर्स DCA, और यहाँ सेव में अगर मैं क्लिक करता हूँ, तो यूजर नेम सचिन और DCA ये तो यहाँ जा रहा है, मगर यहाँ पे इंसर्ट नहीं हुआ है। देखिए यहाँ पे मैंने यूजर लिखा था, जबकि जो डाटाबेस वाला जो फील्ड है हमारा
उसमें क्या लिखा हुआ है, यूजर नेम लिखा हुआ है देखिए यहाँ। तो ये फील्ड का नाम हम लोग का यहाँ पे मैच होना चाहिए, है ना, नहीं तो फिर हमारा क्यूरी रन नहीं होगा। यहाँ पे हम लोग नेम लिख देते इस तरह से, ठीक है। अब हम लोग अगर दोबारा जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, और एक बार मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, और उसके बाद फिर से मैं यहाँ पे लिखता हूँ SACHIN सचिन, और उसके बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ DCA, और फिर मैं सेव में क्लिक करता हूँ, तो देखिए डाटा इंसर्टेड, ठीक है। उसी प्रकार से अगर यहाँ पे हम लोग लिखते हैं SANJY संजय, और यहाँ पे कोर्स का नाम मैं लिख देता हूँ PGDCA, और फिर मैं अगर सेव में क्लिक करता हूँ तो फिर से डाटा इंसर्टेड हो जाएगा। और यहाँ अगर हम लोग जाके देखेंगे अगर, तो अभी यहाँ पे देखिए दो वैल्यू है हमारे पास, एक है सचिन एक है संजय। अब यूजर नेम सचिन ऑलरेडी डाटाबेस में एग्जिस्ट है, अगर मैं यहाँ पे फिर से SACHIN, अच्छा कैपिटल नहीं, SACHIN सचिन इसको लिखता हूँ इस तरह से, और अगर मैं सेव में क्लिक करता हूँ तो देखिए यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट दिखा देगा। और अगर डाटाबेस में अगर हम लोग जाएंगे तो डुप्लीकेट यूजर नेम जो है वो एंट्री यहाँ पे नहीं होगा, वो उसको रोक देगा, ठीक है। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।